हेलो स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्लैट प्लेट कलेक्टर, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। सो देयर वी हैव डिस्कस मेन पॉइंट, वी हैव डिस्कस ओनली about the solar power, yes, solar energy. We have used solar energy and after some conversion through absorber and a steam power generator, then it finally converted into the electric energy. It means we have utilize the solar energy into the electrical energy by the use of various equipment such as here we have discussed only two. फर्स्ट हम फोटोवोल्टेक सिस्टम या फोटोवोल्टेक सेल, ओके। सेकंड वन इज द कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम। द अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी हैव डिस्कस ओनली सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। तो व्हाट इज द solar concentrating collector? It is the device, it is the solar device through which we have concentrate the all of energy, sun energy, sun ray on a given point. It means when sunlight incident on a plate which called collector, then reflected after reflection from collector, it incident on a point which called focus. इट मीन्स जो हमारा सोलर पावर कंसंट्रेटर है, जो इसमें हम यूज कर रहे हैं कलेक्टर का वर्क है, जो भी एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, यानी जो भी हमारा रे इंसिडेंट हो रहा है उस कलेक्टर पे, कलेक्टर का काम है वो टोटल रे को एक पॉइंट पर फोकस करना, यानी टोटल जितने भी हमारा रे इंसिडेंट होगा कलेक्टर पर, वो एक पॉइंट पर फोकस होगा, यानी एक लाइन में फोकस होगा, एक लाइन में या एक पॉइंट पे, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। अच्छा, आपने देखा होगा अगर आप कन्वेक्स लेंस लें और उसको एक पॉइंट पर पोजीशन करें तो देखेंगे कि कुछ समय बाद आफ्टर पोजिशनिंग कुछ समय बाद जितनी भी रे हैं, जो भी रे हैं, वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होंगी और वहाँ का जो इंटेंसिटी है, यानी रे इंटेंसिटी है, यानी सन रे इंटेंसिटी है, क्या बढ़ जाता है और वो पॉइंट बहुत अधिक हीट अप होने लगता है, बर्नआउट भी होने लगता है। तो जस्ट उसी तरह हम यहाँ पर एक यूज करते हैं कलेक्टर। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर है वो होगा आपका कप शेप का। हम मेनली यूज करते हैं इन कॉमन वे में, इन जनरली वे पैराबोलिक
कलेक्टर। तो हम थोड़ा रीड आउट करते हैं। द कंसेंट्रेटिक सोलर पावर सिस्टम यूजेज लेंस या मिरर टू फोकस सनलाइट इनटू ए शार्प बीम विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रेटिक सोलर कलेक्टर। जो जो सोलर कलेक्टर है उसके थ्रू हम क्या जो भी लाइट उस पर इंसिडेंट होगा वो एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है, जिससे कि टोटल वहाँ पर इंटेंसिटी यानी जो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी जब लाइट का बढ़ेगा तो वहाँ पर हीट अधिक जनरेट होगा, ओके। और उसी पॉइंट पर हम क्या रख लेते हैं, रिसीवर, रिसीवर यानी एब्जर्बर, और टोटल हीट को क्या करेगा, एब्जर्ब करेगा। जो जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा है उसी पॉइंट पर हम क्या रख लेंगे, उसी पॉइंट पर हम एब्जर्बर रखेंगे और टोटल हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। हाई इंटेंसिटी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ओके। तो वी कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द पैराबोलिक कंसेंट्रेटिक कलेक्टर, ओके। वी कैन सी दिस वन इज द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, अगर पैराबोलिक आप इसको बोलते हैं कलेक्टर, ओके। जब रे इस पर इंसिडेंट होगा, देखिए सनलाइट जब आएगा तो सनलाइट ये जो इसका जो भी पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक का एक होगा आपका फोकस, फोकस तो जितनी भी इस पर लाइट इंसिडेंट होगा वो जाकर उसके फोकस पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर जाकर इंसिडेंट करेगा, तो फोकस पर जाकर टोटल मिलेगा और वहाँ का जो इंटेंसिटी है, हीट का इंटेंसिटी है, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा मीन्स हीट का इंटेंसिटी बढ़ेगा वहाँ। तो आप देख सकते हैं, और उसी फोकस पे, चूँकि ये देखते हैं ये लोग, तो ये इसका कुछ लेंथ है, पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक जो हम कलेक्टर रखे उसका लेंथ है सम लेंथ। देन वी हैव यूज द रिसीवर इन अ स्टेट इन अ इन द फॉर्म ऑफ पाइप, इन द फॉर्म ऑफ पाइप, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिसीवर ट्यूब है, रिसीवर ट्यूब है, तो यहाँ से जो भी इंसिडेंट होगा वो अगर फोकस होगा इस रिसीवर पे, रिसीवर पर जब फोकस होगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी, यानी एब्जॉर्बर जो होगा आपका रिसीवर जो है, रिसीवर ट्यूब ही आपका एब्जॉर्बर है, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इस साइड से क्या होगा, फ्लूइड इंटर करेगा, इस साइड से एक तरफ साइड से फ्लूइड इंटर करेगा और इनलेट होगा, दूसरे साइड से क्या होगा, आउटलेट होगा। जब कोल्ड फ्लूइड इनलेट होगा आफ्टर इनलेट, देन जब इनलेट होगा तो यहाँ से जो आपका एब्जॉर्बर है, ये जिसको हम बोले यहाँ पर रिसीवर ट्यूब, वो क्या करेगा, हीट को, हीट वो को रिसीव करेगा, जो लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है वो रिसीव हीट को रिसीव करेगा और यहाँ से आउट होगा, यानी कोल्ड वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू द रिसीवर दे हैव इन हीटेड पोजीशन, ओके। देन इन इट हीटेड पोजीशन, हीटेड फॉर्म, ओके। सो दिस इज द ड्राइव मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म ऐसे आप मनाया जाता है कि जैसे जैसे सन मूव करेगा, जैसे जैसे एक्चुअली हमारा अर्थ मूव करेगा उसी के अनुसार, सन के लोकेशन के अनुसार, जैसे जैसे सन का मोमेंट होगा, सन मोमेंट नहीं करता, अर्थ मोमेंट करता है, बट हम ऐसा इसको मैकेनिज्म देते हैं कि हमेशा सन इंसिडेंट हो किस पे, हमेशा सन इंसिडेंट, सन रे इंसिडेंट हो परपेंडिकुलरली, ओके, ऑन द फ्लैट प्लेट कलेक्टर यानी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे। तो हियर टाइप्स ऑफ कंसेंट्रेटिक सोलर कलेक्टर, ओके, देयर आर द मेनली फोर टाइप्स, पैराबोलिक थॉट कलेक्टर, पैराबोलिक
पावर रिसीवर, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर और फ्रेश लेंस कलेक्टर। बट हियर वी हैव डिस्कस अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस पैराबोलिक थॉट कलेक्टर एंड पावर टावर रिसीवर। तो फर्स्ट वन इज द पैराबोलिक थॉट कलेक्टर। इट इज़ द सेम वे इट पैराबोलिक थॉट कलेक्टर मीन्स कलेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोलिक फॉर्म पैराबोलिक शेप एंड रिसीवर इज सिचुएटेड ऑन द फोकस ऑफ दिस पैराबोलिक कलेक्टर। ओके तो देख आप इसको रीड आउट करते हैं। इट इज अ लाइन फोकस टाइप कलेक्टर। इन दिस टाइप ऑफ कलेक्टर द सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ एरिया ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आर कंसंट्रेटेड ऑन द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो जो भी हमारा रे इंसिडेंट होगा इस पर, एक पैराबोलिक है तो इसके फोकस पे क्या होगा, टोटल आफ्टर रिफ्लेक्शन ये टोटल कंसंट्रेट होगा इसके फोकस पे। तो देखिए इसका जो पैराबोलिक है सब लेंथ है, तो जो इसका फोकस होगा वो भी क्या, वो लाइन फोकसिंग होगा कि हर एक पॉइंट पर फोकस करेगा तो एक लाइन फोकसिंग हो जाएगा। इसी लाइन फोकसिंग पर हम क्या करेंगे, रख लेंगे ट्यूब जिसको हम बोलते हैं एब्जर्बर। एब्जर्बर इसी पॉइंट पर सिचुएटेड होगा और जितने भी हीट यहाँ पर इंसिडेंट होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे हैव कंसंट्रेटेड ऑन द फोकस ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ओके तो यू कैन सी दिस पिक्चर आर कॉमन ओनली वी हैव ओनली यूज फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ओके आप लोग अच्छे से समझे इसलिए मैंने इसको यहाँ पर फिगर को पेस्ट किया। ओके तो ये हुआ आपका पैराबोलिक थॉट कलेक्टर यानी, और देखिए तो ये हुआ पैराबोलिक थॉट कलेक्टर। आप देख तो सोलर पावर प्लांट यूजिंग पैराबोलिक थॉट कलेक्टर यानी जो सोलर पावर प्लांट हम, जैसे कि हमको मेन हमारा मोटो है वी हैव यूटिलाइज द सन एनर्जी टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टीम पावर प्लांट का यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ द सन एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सन डायरेक्टली वी हैव नॉट यूज डायरेक्टली सन एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, देन हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके तो वी हैव यूज द स्टीम टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन बेस्ड ऑन द रैंकाइन साइकिल। वी नो व्हाट इज द रैंकाइन साइकिल। ओके तो हियर यू कैन से दिस इज द स्टीम पावर जनरेटर। ओके स्टीम पावर जनरेटर। ओके तो दिस पावर प्लांट इम्प्लॉय आर एरे ऑफ पैराबोलिक थॉट कलेक्टर इंस्टॉल विद द सन ट्रेसिंग डिवाइस टू कलेक्ट द सोलर रेडिएशन विच आर यूज टू हीट द फ्लूइड एयर वाटर। ओके तो देखिए जस्ट यहाँ पर है आपका सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है किस पे, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर पे। तो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर पर हीट एनर्जी क्या होगा, जब इमिट होगा तो ये जो हमारा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर है यानी जो हमारा पैराबोलिक कलेक्टर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो पैराबोलिक कलेक्टर क्या करेगा, हीट को एक पॉइंट पर एक लाइन फोकसिंग पर कंसंट्रेट करेगा और उससे जो एब्जर्वर होगा वहाँ से हीट को एब्जर्व करेगा और जो फ्लूड जो एब्जर्वर में ही लगा हुआ है आपका इनसाइड द एब्जर्वर
इनसाइड द ऑब्जर्वर सम इनसाइड द ऑब्जर्वर सम ऑफ ट्यूब इंसर्टेड इन द ऑब्जर्वर थ्रू विच वाटर इनलेट टू वाटर या फ्लूइड इनलेट फ्रॉम वन साइड टू वन साइड एंड आउटलेट टू अदर साइड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कलेक्टर का थोड़ा जो भी हमको हीट मिलेगा फ्लूइड हीटेड होगा और इनलेट से आउटलेट जाएगा। तो वो देखिए एक तरफ से मान लीजिए यहाँ से इनलेट गया इधर जा रहा है, तो ये होगा हमका कोल्ड, इस लाइन को होगा कोल्ड फ्लूइड होगा। ओके, कोल्ड फ्लूइड इंटर किया सोलर कलेक्टर में, सोलर कंसेंट्रेटिंग कलेक्टर में, और वहाँ से हीटअप हुआ फ्लूइड, फिर पहुँचा आपका यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला एरो है, ये शो करेगा आपका हीटेड वाटर। तो हीटेड वाटर इंटर किया कि में स्टोरेज टैंक में, स्टोरेज टैंक में आपका स्टोर हुआ हीटेड वाटर। ओके, हाई एट हाई टेम्परेचर। फिर इस हीटेड वाटर के थ्रू हम स्टीम जनरेटर है, स्टीम जनरेटर आप जान एक्चुअली आप जानते होंगे, बॉयलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आई थॉट ऑल ऑफ यू नो अबाउट द बॉयलर। ओके, तो थ्रू बॉयलर स्टीम जनरेटेड इनसाइड द बाय द यूज द स्टोरेज टैंक बाय द स्टोरेज टैंक हीट स्टीम जनरेटेड इन द बॉयलर देन हाई प्रेशर स्टीम पासेस थ्रू द स्टीम टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन कनेक्टेड टू द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आफ्टर पासेस द स्टीम फ्रॉम स्टीम टर्बाइन दे हैव गो इनसाइड द कंडेंसर हियर स्टीम कन्वर्टेड इन द लिक्विड फॉर्म कन्वर्टेड इन द लिक्विड फॉर्म बाय एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम स्टीम टू सराउंडिंग थ्रू कोल्ड वाटर सर्कुलेशन। आफ्टर द कंडेंसर स्टीम कन्वर्टेड इंटू द लिक्विड एंड इट पासिस थ्रू द फीड पम्प वर्क इज द इट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड अप टू द बॉयलर प्रेशर या स्टीम जनरेटर प्रेशर। तो दिस इज द साइकिल स्टीम टर्बाइन बेस्ड ऑन द रैंकिन साइकिल, सो ऑल ऑफ यू नो। तो दिस इज द सोलर पावर प्लांट यूजिंग पैराबोलिक थॉट कलेक्टर। ओके, सेकेंड वन इज द पावर टावर रिसीवर। पावर टावर रिसीवर इट मीन्स वन रिसीवर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर। ओके, वेयर यू कैन सी टॉप ऑफ द टावर ऑन सम रिफ्लेक्टर इंस्टॉल अराउंड द रिसीवर अराउंड द ऑब्जर्वर अराउंड द रिसीवर या अराउंड द ऑब्जर्वर। ओके, तो व्हेन सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द फ्लैट कलेक्टर हियर फ्लैट कलेक्टर देन हियर इज द कलेक्टर ए रिफ्लेक्टर हियर इज द रिफ्लेक्टर व्हेन सन रेडिएट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टर देन इट रिफ्लेक्ट द ऑल सन रे ऑन अ फिक्स पॉइंट फोकस ऑन अ फिक्स पॉइंट वेयर इंस्टॉल देयर
इंस्टॉल द रिसीवर विच रिसीव द ऑल रेडी ऑल सन एनर्जी ऑन अ सिंगल पॉइंट देन देयर इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी इंक्रीजेज सोलर एनर्जी इंक्रीजेज एंड दिस रिसीवर कन्वर्ट द हीट एनर्जी इंटू द दिस रिसीवर कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इंटू द हीट एनर्जी एंड जस्ट सेम ऑपरेशन सेम ऑपरेशन लाइक सोलर पावर प्लांट यूजिंग पैराबोलिक थर्ड कलेक्टर जैसा वो होगा वैसा ही यहाँ पर रिसीवर पर जितने भी रिफ्लेक्टर हैं ये देखिए रिफ्लेक्टर है ग्राउंड पे तो जितने भी रे इंसिडेंट होगा इंसिडेंट रे को एक पॉइंट पर रिसीव करेगा ये रिसीवर होगा जिसको हम ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं तो रिसीवर क्या करेगा टोटल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जब हीट पहुँचा यहाँ पर तो एक टोटल हीट को क्या करेगा एब्जर्व करेगा यानी यहाँ पर हीट का इंटेंसिटी क्या होगा बढ़ जाएगा हीट का इंटेंसिटी बढ़ेगा यानी हीट का यानी सन रे का इंटेंसिटी बढ़ेगा तो हीट का यहाँ पर जो ऑब्जर्वर मैक्सिमम हीट को क्या करेगा यहाँ से एनर्जी को ऑब्जर्व करके हीट में कन्वर्ट करेगा और उसी ऑब्जर्वर में या जो ट्यूब इंसर्ट रहता है उस ट्यूब से फ्लूइड पास करेगा तो फ्लूइड क्या करेगा जो भी रिसीवर का हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा उसको लेगा रिसीव करेगा और इनलेट से अगर फ्लूइड गया तो उसके बाद क्या करेगा वहाँ से हीट एब्जर्व किया फिर इस आउटलेट के थ्रू वहाँ से निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये है आपका ये होगा आपका जो लेफ्ट वाला आपका जो लाइन है ये शो करेगा कोल्ड वाटर का यानी वाटर इसे इनलेट होगा और जो राइट वाला है इसे वाटर के आउटलेट होगा यानी इधर से आपका कोल्ड वाटर इंटर करेगा लेफ्ट से और राइट से हॉट वाटर निकलेगा वहाँ से इमिट होगा वहाँ से। तो वो जो हॉट वाटर है तो यहीं पर रिसीवर इसी में हम क्या करते हैं बॉयलर भी हम क्या कहते हैं इसी में इंस्टॉल कर देते हैं जिससे कि उस हीट का यूटिलाइज कर लिया जाए और स्टीम जनरेट किया जाए। तो इधर से हाई प्रेशर स्टीम कहाँ जाएगा आपका टरबाइन में उसी में कंडेंसर है फिर फीड पंप है फिर क्या पहुँच जाएगा ऐसे तो इस साइकिल के थ्रू ये स्टीम टरबाइन रोटेट करेगा जिससे उससे कनेक्टेड है अल्टरनेटर और इस हीट एनर्जी को यानी जो रिसीवर पर हीट एनर्जी है उसको उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। फाइनली इट मींस पावर टावर रिसीवर इट मींस मेन कंपोनेंट ऑफ द पावर टावर रिसीवर इज द फर्स्ट वन रिसीवर एंड सेकेंड वन इज द रिफ्लेक्टर विच इज इंस्टॉल ऑन द ग्राउंड ऑफ द अर्थ। ओके तो इसका ये है वर्किंग प्रोसेस है। आई थॉट ऑल ऑफ गॉट इट। ओके सो नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सोलर पावर। ओके क्या एडवांटेज है इसका व्हाट इज द एडवांटेज। सोलर पावर इज द साइलेंट लिमिटेड एंड फ्री इट मींस ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ओके नो साउंड पोल्यूशन क्रिएटेड देर इज नो साउंड पोल्यूशन क्रिएटेड। इट हैज ओनली साइलेंट फीचर। ओके इट इज द पोल्यूशन फ्री इट मींस एनवायरमेंटल फ्रेंडली इट रिलीज नो CO2 SO2 यानी ग्रीन हाउस गैसेस। दे हैव
not release the greenhouse gases. Okay, it not contribute the global warming. Okay, they have not contribute the global warming. यानी इससे कुछ भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कोई भी गैस नहीं निकल रहा है, जो भी हमारा नोबल गैस है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इसे इमिट नहीं होती, इसलिए हमारा इसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग में. ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सोलर प्लांट आर वेरी लो. ओके, तो ये हुआ आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हुआ. सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रोड्यूस एट ए हार नाइट, हेंस ए कम्प्लीमेंट्री सोलर सिस्टम इन इज रिक्वायर्ड. यानी इसको हम नाइट में डिसएडवांटेज का है कि पहला कि इससे हम नाइट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कुछ अल्टरनेटिव हमको अल्टरनेटिव हमको कुछ पावर सोर्सेस रखने होंगे, जिससे कि हम नाइट में उसका यूटिलाइज करें. जैसे हम क्या करते हैं, हम बैटरी रखते हैं, बैटरी, सोलर बैटरी, जिससे कि रात में जो भी हमारा नाइट का हुआ, नाइट में हम उसको यूटिलाइज करें, उसके पावर को हम यूटिलाइज करें. दूसरा, सोलर पावर इज मच रिड्यूस इन क्लाउडली कंडीशन. यानी अगर क्लाउडी, अगर बादल उदल रहा है, तो वहाँ पर जो सोलर पावर एनर्जी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है. इट इज़ वेरी लोकेशन डिपेंडेंट, ओनली सुटेबल फॉर फेवरेबल सनशाइन साइट्स. यानी हर जगह हम यहाँ पे इसको नहीं इंस्टॉल कर सकते. इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको उस पॉइंट पर जाना जहाँ पर ही पहले तो जो सन है, सन का इंसिडेंट एकदम फ्रीली हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो बीच में. जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी हिली एरिया है, तो हिली एरिया के बगल में हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हिली एरिया के चलते, हिल जो माउंटेन के चलते क्या होगा, इस पे आएगा उसका शैडो, जिससे कि ये वर्क नहीं कर पाएगा. इसलिए हम इसके लिए एक फ्लैट टाइप ऑफ जमीन, यानी मैदानी एरिया जहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. सन डायरेक्टली फॉल करे कहाँ, रिफ्लेक्टर पे. ओके, तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो वैसा हमको लोकेशन को चूज करना होगा. अगर सोलर पावर प्लांट रिक्वायर्ड ए वेरी लार्ज ग्राउंड एरिया, ये भी एक है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें बहुत बड़ा एरिया को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, जिससे कि हमको इंस्टॉल करना पड़े. आप देखे होंगे इलाहाबाद के जस्ट बाद एक है पावर प्लांट, है सोलर पावर प्लांट, तो दे हैव कवर लार्ज एरिया, सो इट इज़ वेरी कॉस्टली. ओके, एट प्रेजेंट सोलर पावर इज द वेरी कॉस्टली. ओके, बिकॉज देयर एफिशिएंसी इज लो, बिकॉज देयर थर्मल एफिशिएंसी इज लो. ओके, तो लास्ट में नीड अ थर्मल स्टोरेज सिस्टम, क्योंकि इसका थर्मल एफिशिएंसी ऐसे भी लो है, तो ये एक तो रात में ये वर्क करेगा नहीं, वाली डे में वर्क करेगा. सो इसके लिए हम थर्मल स्टोरेज सिस्टम को हमको अपने पास रखना पड़ेगा, किसके लिए, बैकअप के लिए. ओके, तो दिस इज द then topic is covered. Okay, and this topic is covered, and I hope all of you got it.
after watching, after watch, okay, so thank you.